धर्म नगरी हरिद्वार में 27 फरवरी से कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ मेला केवल एक माह का ही होगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कुंभ की एसओपी पहले ही जारी हो चुकी है, जल्दी ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि एसओपी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी कुंभ की विस्तृत एसओपी जारी कर दी थी। इसके तहत इस बार कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही कुंभ में सामूहिक भजन गायन और भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। एसओपी में आश्रम, धर्मशाला, वाहन पार्किंग स्थान, होटल व रेस्टोरेंट, होल्टिंग पॉइंट, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन और बस स्टेशन के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम या धर्मशाला में केवल तभी प्रवेश मिलेगा जब उनके पास एंट्री पास और हथेली के ऊपर भाग पर अमित शाही से निशान लगा होगा। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच 2 गज की दूरी आवश्यक होगी। श्रद्धालुओं के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य होगा। कुंभ में अगर कोई वाहन या तीर्थ यात्री बिना पंजीकरण आएगा तो उसे किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि शाही स्नान की जो तिथियां अधिसूचित होंगी उन पर हरिद्वार में बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे डेयरी, भोजन, दवा, पूजन सामग्री व कंबल की दुकान ही खुलेंगी। पवित्र स्नान के लिए केवल 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा। अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कुंभ से जुड़े और वीडियो देखने के लिए अभी लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।